हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू gscgtech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल gscgtech प्राइम। इस क्लास में रिसीप्ट नोट वाउचर के बारे में आप सीखने वाले हैं। इसका इस्तेमाल स्टॉक को ट्रैक करने के लिए किया जाता है और ये एडवांस इन्वेंटरी मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर आता है। एक्चुअली में आमतौर पे जब भी सामान खरीदते हैं तो परचेज वाउचर पास करते हैं, पर जब सामान का ऑर्डर देते हैं और सामान प्राप्त हो जाता है लेकिन यदि कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ होता तो रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करते हैं। यह उस आइटम स्टॉक को अपडेट कर देता है लेकिन अकाउंटिंग एंट्री में किसी तरह का कोई भी प्रभाव ये नहीं डालता। बाद में जब परचेज बिल प्राप्त होता है तो उसे रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट में एक परचेज एंट्री पास करके मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर रिसिप्ट नोट को एनेबल किया जाता है और उसमें एंट्री पास की जाती है। हमने टैली प्राइम को ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने अपनी कंपनी ओपन कर ली है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो प्रीवियस क्लास में हमने यूज़ किया था, जिसमें अब तक की सारी एंट्रियाँ की हैं। अगर आप यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो क्लासेस ज़रूर देख लीजिए, जिससे आप सारी एंट्री को आसानी से समझ सकें। अब हमें आवश्यकता है प्रोजेक्ट की, जिसके द्वारा हम लोग टैली प्राइम में एंट्री करेंगे। तो चलते हैं प्रोजेक्ट में और यहाँ पर हमने दो प्रोजेक्ट ले रखे हैं। जब भी आपको डिलीवरी नोट्स प्राप्त होते हैं पार्टियों से तो वो आपके लिए रिसिप्ट नोट की एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो डिलीवरी नोट प्राप्त हुए हैं, एक है इंटर स्टेट और दूसरा है इंट्रा स्टेट। पहला वाला जो है वो है इंट्रा स्टेट रिसिप्ट नोट्स और दूसरा वाला जो है वो है इंटर स्टेट रिसिप्ट नोट्स के लिए। अब यहाँ पे आपको हमेशा डिलीवरी नोट लिखा रहेगा। आपको याद होगा जब हमने परचेज की एंट्री आपको बताई थी तो हमने बताया था कि टैक्स इनवॉइस जो आता है, सेल्स बिल जो आता है, वो आपके परचेज की एंट्री होती है। उसी तरह से यहाँ पे डिलीवरी नोट का जो हमें मिल रहा है इनवॉइस, ये हमारे लिए रिसिप्ट नोट की एंट्री बनेगी। तो चलिए एंट्री पास करते हैं। तो वापस आ जाते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आने के बाद वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपको रिसिप्ट नोट नज़र आता है इन्वेंटरी वाउचर के अंदर तो अच्छी बात है, ऐसे बाय डिफॉल्ट ये जो है डीएक्टिवेट रहता है, तो इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए सो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे। सो इनएक्टिव पे क्लिक करने पे आपको नीचे रिसिप्ट नोट नज़र आएगा। इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज देगा टैली कि क्या आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। यस पे क्लिक करते हैं, रिसिप्ट नोट वाउचर खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि इसका रेफरेंस नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रोजेक्ट में मिलेंगी। तो प्रोजेक्ट में चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि रिसिप्ट नोट्स के लिए हमारा रेफरेंस नंबर कौन सा है। तो ये जो देख रहे हैं आप डिलीवरी नोट्स नंबर, ये हमारा रेफरेंस नंबर कहलाएगा। डेट कौन सा है? 1 अप्रैल का। तो चलिए ये रिसिप्ट नोट नंबर जो है ये वहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, जैसे RSL DL, इसके बाद /0001/2021 एंटर प्रेस करेंगे। 1 अप्रैल की एंट्री है इसलिए हमने यहाँ पे 1 अप्रैल लिया। एंटर प्रेस किया और अपने भी वाउचर की एंट्री का डेट जो है वो बदल देंगे। F2 बटन दबाएंगे, वाउचर डेट आ जाएगा। यहाँ पे 1 अप्रैल लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद पूछता है पार्टी नेम, तो पार्टी नेम देख लेते हैं कौन सा है। रांची सेल्स लिमिटेड, तो यहाँ पे लेंगे रांची सेल्स लिमिटेड। ये हमने रांची सेल्स पे क्लिक किया, फिर एंटर प्रेस कर दिया। अब ये पूछता है ऑर्डर डिटेल है क्या आपके पास। आगे चल के आप देखेंगे कि एडवांस एंट्री के अंदर ऑर्डर का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, तो किस तरह से ऑर्डर मेंटेन किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप रिसिप्ट नोट की एंट्री देख रहे हैं तो इसे ध्यान दें। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ऑर्डर डिटेल नहीं है, तो एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और पहुँच जाएंगे रिसिप्ट डिटेल में। यहाँ पे रिसिप्ट डॉक नंबर क्या है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डिस्पेच डॉक नंबर 123, ठीक है, और डिस्पेच थ्रू सेल्फ है, डिस्टिनेशन झारखंड है। अब इन एंट्रियों को यहाँ पे हमें पास करना है। तो ये क्या है, 123, डिस्पेच थ्रू सेल्फ था तो सेल्फ लिख दिया हमने, डिस्टिनेशन झारखंड है, झारखंड लिखा हमने। आगे कैरियर नेम वगैरह नहीं है हमारे पास, बिल लैंडिंग वगैरह LR नंबर वगैरह का डिटेल नहीं है तो ये नहीं डालेंगे। ऐसे रहे तो जरूर डालिएगा, नहीं तो एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। इसके बाद पार्टी डिटेल पे एंटर प्रेस करते हुए
कंप्लीट करते हुए परचेज लेजर में आएंगे और यहां से परचेज अकाउंट लेंगे। परचेज अकाउंट लेने के बाद नेम ऑफ आइटम में आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वैसा ही है जैसे परचेज की एंट्री पास करते हैं, तो जी हाँ ये परचेज की एंट्री जैसा ही है। इसे आप कच्चा बिल भी मान सकते हैं, जो आपके पास डिलीवरी नोट के बिल आते हैं। ये जो बिल है ये बिल नहीं है, एक्चुअली में कच्चे बिल है, मतलब एक परफॉर्मा बिल इसे कहा जाता है। जब पार्टी प्रोडक्ट आपको भेजती है तो उसके साथ एक परफॉर्मा बिल भी भेज देती है, जिससे आप आसानी से प्रोडक्ट को मिला सके कि आपके पास कितना प्रोडक्ट आया हुआ है, कौन कौन सा आया हुआ है। अगर इसमें आपको कोई कमी लगे तो आप तुरंत पार्टी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट नहीं मिला है, या ये प्रोडक्ट डैमेज है, या ये एक्स्ट्रा आ चुका है। इसीलिए डिलीवरी नोट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी आपको डिलीवरी नोट मिलता है, इसका मतलब आपको अपने जगह पे रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करनी होगी, तभी आप स्टॉक को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि स्टॉक आ चुका है लेकिन इसका बिल अभी तक आया नहीं है, तो स्टॉक को हमें मेंटेन करना जरूरी है। तो चलते हैं वापस टेली प्राइम में, और यहाँ पे आगे की एंट्री नेम ऑफ आइटम है, देख लेते हैं क्या है। इंकजेट प्रिंटर है 3 पीस ले लेते हैं। यहाँ पे आई हमने दबाया, इंकजेट प्रिंटर एंटर। ये सारे प्रोडक्ट हमने प्रीवियस में बना रखे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं बने हुए हैं तो आप इन सब को एक एक करके बना लें, फिर आगे की एंट्री पास करें। डिस्क्रिप्शन में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही एक नई लिस्ट हमारे सामने खुल के आ जाती है, जिसमें ट्रैकिंग नंबर का जिक्र है। जी हाँ, यही ट्रैकिंग नंबर है जिसके द्वारा आप अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे वही बिल नंबर आ गया है जो अभी हमने डिलीवरी नोट में देखा था, तो इसे यही रखेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्वांटिटी में यहाँ डालेंगे जितना क्वांटिटी आपको रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 3 पीस रिसीव हुआ है और इसने रेट डाला है 2800, तो हम लोग भी यही करेंगे, 3 पीस डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 2800 यहाँ पे रेट में डालेंगे और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये पूछता है कि क्या आपके पास और भी ट्रैकिंग नंबर है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम में और स्पेस दबाएंगे और दूसरे प्रोडक्ट को लेंगे। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है चलिए देख लेते हैं। कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स है, 5 पीस लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे कीबोर्ड नॉर्मल इंटेक्स, एंटर प्रेस किया। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं है, कोई वारंटी गारंटी या सीरियल नंबर वगैरह नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहाँ टाइप नहीं करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ट्रैकिंग नंबर सेम है, यही रखेंगे। एंटर प्रेस करते हुए कितना पीस है, तो 5 पीस हमने लिया। एंटर प्रेस किया, 220 रुपये के हिसाब से देख लेते हैं एक बार, 5 पीस है, 220 रुपये के हिसाब से सही है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे इसे एंड ऑफ लिस्ट लेते हुए सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर एंटर प्रेस करते हुए नेम ऑफ आइटम के नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर से एक बार एंटर या टैब दबाएंगे तो ये एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा और हम लोग पहुँच जाएंगे लेजर लिस्ट में। फिर स्पेस दबाएंगे और टैक्स लेजर लगाएंगे। चूंकि ये एक लोकल परचेज बनने वाला है तो इसमें जो टैक्स लेजर लगे हुए हैं वो CGST और SGST लगे हुए हैं, तो लगा देंगे CGST और SGST। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो अमाउंट आया है इसे मैच कर लेंगे, 11,210 रुपये है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ स्क्रॉल किया हमने, 11,210 रुपये, इसका मतलब ये एंट्री सही से पास हो गई है। अब इसे एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो अभी हमने इंट्रा स्टेट का एक रिसिप्ट नोट जो है वो पास कर लिया। अब इंटर स्टेट का देखते हैं, मतलब अगर अदर स्टेट से आप कोई प्रोडक्ट रिसीव करते हैं, मतलब आपने ऑर्डर दे रखा और वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, तो उसकी एंट्री कैसे पास करनी है चलिए उसको देखते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट को हम लोग लेंगे और ये सारे प्रोजेक्ट gsegtech.com में अवेलेबल करा दिए गए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके सीख सकते हैं। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट और ये है बंगाल सेल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ और इसका डिलीवरी नोट्स नंबर जो है वो BSL DL00012021 है, 1 अप्रैल डेट का बना हुआ है। तो ये हम लोग जाएंगे टेली प्राइम में और यहाँ पे लिखेंगे BSL DL/ हमने डाला 00012021। एंटर प्रेस किया, 1 अप्रैल का है वही रखेंगे। एंटर प्रेस किया और यहाँ पे पार्टी का नाम बंगाल सेल्स है, तो बंगाल सेल्स हमने लिया। अब यहाँ पे डिटेल वगैरह मांग रहा है, देख लेते हैं क्या प्रोजेक्ट में डिटेल दिया हुआ है। तो जी नहीं, इस प्रोजेक्ट में कोई भी डिटेल यहाँ हमें और नहीं मिल रहा है, तो नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए ये चीज़ें स्किप की जा सकती हैं, लेकिन जब आप ओरिजिनल में काम कर रहे हो तो सारी डिटेल आपको मिलेगी और सारी डिटेल जरूर फीड कीजिएगा, जिससे आगे चल के जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो काफ़ी सहूलियत रहेगी। यहाँ पे पार्टी डिटेल में भी कुछ नहीं भरना है हमें, तो टैब बटन दबाते हुए सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे। परचेज लेजर में आएंगे, यहाँ पे परचेज अकाउंट लेंगे, फिर नेम ऑफ आइटम में आने के बाद स्पेस दबाएंगे और प्रोजेक्ट में जाके देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट है। तो माउस नॉर्मल 5 पीस लिया गया है 180 के रेट से, तो यहाँ पे लेंगे माउस नॉर्मल। एंटर हमने प्रेस किया, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं है। एंटर प्रेस किया,
ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिक इसने उठा लिया जो भी हमने रेफरेंस नंबर में डाला था। फिर एंटर हमने प्रेस किया, क्वांटिटी में कितना पीस था, 5 पीस है तो 5 पीस हम लोग ले लेते हैं। 5 हमने डाला, एंटर किया 180 के रेट से। फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब फिर से पूछेगा ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पे क्या लेना है, जी हाँ सही है, यहाँ लेना है एंड ऑफ लिस्ट। आपको जल्दी जल्दी याद हो जा रहा है, अच्छी बात है, याद करते जाएं और साथ में एंट्री भी कंप्लीट करते जाएं। फिर एंटर प्रेस करते हुए आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम में। अब अगला आइटम यहाँ पे नहीं है क्योंकि इस इनवॉइस में एक ही आइटम है, तो यहाँ पे हमें एंड ऑफ लिस्ट लेना है। और एंड ऑफ लिस्ट लेने का कितना तरीका है, 2 तरीका। पहला तरीका है कि आप स्पेस दबाएं, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करके एंटर कर दें। या तो दूसरा तरीका है कि जब आप यहाँ पे हों, जैसे हम बैक हो जाते हैं, फिर एंटर हमने प्रेस किया और यहां पर रहने के बाद सीधा ही आप एक बार टैब बटन दबा दें तो ऑटोमेटिक एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे लेजर लिस्ट में। अब यहां से आपको टैक्स लेजर लेना है तो यहां लेंगे IGST, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, कितना अमाउंट बना हुआ है, 1062। चलेंगे इनवॉइस में यानी प्रोजेक्ट में और यहां मैच करेंगे 1062, सही है, आ चुके हैं यहां पर। एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब जब रिसिप्ट नोट की एंट्री पास की जाती है तो टैली प्राइम में एक नया रिपोर्ट जनरेट हो जाता है जिसे परचेज बिल पेंडिंग के नाम से जाना जाता है। इस बिल के द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिसिप्ट नोट हैं जिसके अगेंस्ट में अभी तक परचेज की एंट्री पास नहीं की गई है। जैसे हम किसी रिसिप्ट नोट्स के अगेंस्ट में परचेज की एंट्री पास कर देते हैं तो वहां से यानी परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट से वो रिसिप्ट नोट की एंट्री गायब हो जाती है। और रिसिप्ट नोट्स के अगेंस्ट में परचेज की एंट्री कब पास की जाती है, जब आपको टैक्स इनवॉइस रिसीव हो जाएगा पार्टी के द्वारा जिसने आपको अभी डिलीवरी नोट्स भेज रखा है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि परचेज बिल पेंडिंग की रिपोर्ट दिखती कहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग स्किप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहां जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, इसमें एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे आपको मिलेगा परचेज बिल पेंडिंग, इसका शॉर्टकट होता है यू। आप डायरेक्ट यू दबा के इस रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। यहां पे हमने एंटर प्रेस किया और ये खुल गया। अब आप यहां देख सकते हैं कि हमने 3 प्रोडक्ट अभी तक रिसीव किए हैं, उन तीनों का यहां पे जिक्र है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है, मतलब गुड रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, इनका बिल अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, सिर्फ डिलीवरी नोट्स रिसीव हुआ है। और किस किस पार्टी के द्वारा आया हुआ है तो वो यहाँ पे आपको नीचे नजर आएगा कि कौन कौन से पार्टी हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है एक बंगाल सेल्स के द्वारा और ये दोनों जो हैं वो हैं रांची सेल्स के द्वारा। अब इनके अगेंस्ट में जब हमें रिसीव होगा टैक्स इनवॉइस तब हम लोग परचेज की एंट्री पास करेंगे। तो पहले आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ पे मैंने इनके अगेंस्ट में 2 और भी प्रोजेक्ट रख रखे हैं जो कि टैक्स इनवॉइस हैं। जैसे ये पहला वाला टैक्स इनवॉइस जो है वो है पहले वाले रिसिप्ट नोट्स के लिए और ये दूसरा वाला जो है वो है दूसरे नंबर रिसिप्ट नोट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या आपको आएगी और वो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टैक्स इनवॉइस कौन से रिसिप्ट नोट्स के अगेंस्ट में पास करना है। तो ज़्यादातर पार्टियाँ जो हैं वो यहाँ पे लिख देती हैं कि ये जो इनवॉइस है वो किस रिसिप्ट नोट्स के अगेंस्ट में है, और अगर ना लिखे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है इसे मैच करेंगे अपने परचेज बिल पेंडिंग वाले रिपोर्ट से और जिसमें ये टोटल अमाउंट नजर आएगा उसी एंट्री को आपको पास करना है। तो हम लोग चलते हैं टैली प्राइम में और यहाँ पे पहुंचेंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाके हम लोग लेंगे परचेज, क्योंकि अगले का सेल हमारे लिए परचेज की एंट्री बनता है। यहाँ पे हम परचेज लेंगे और ये पूछेगा सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब फिर से जाएंगे प्रोजेक्ट में और यहाँ देखिए इसका सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है वो अलग है, रिसिप्ट नोट्स वाला नंबर नहीं है। यहाँ पे RSL है 006/2021, डेट कौन सा है, 1 अप्रैल का। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने टाइप किया RSL के बाद /006/2021, यही था, देख लेते हैं एक बार और, जी हाँ यही था, ओके। यहाँ पे एंटर प्रेस किया, 1 अप्रैल हमने लिया। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पार्टी का नाम रांची सेल्स है तो रांची सेल्स हमने लिया। एंटर प्रेस किया और जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए एक नया चीज आया, ये पहले नहीं आ रहा था। आपने गौर किया होगा कि जब हम लोग परचेज की एंट्री करते थे तो रिसिप्ट डिटेल नहीं आता था क्योंकि उस समय हमने रिसिप्ट नोट्स को इनेबल नहीं किया था। जैसे ही हमने रिसिप्ट नोट्स को इनेबल किया तो ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो इनेबल हो गया, और ट्रैकिंग सिस्टम इनेबल होते ही जैसे हम किसी पार्टी का नाम लेते हैं परचेज में तो वो एक लिस्ट खोलता है जिसमें अगर उससे कोई प्रोडक्ट रिसीव हुआ हो तो वो उसका ट्रैकिंग नंबर यहाँ शो करने लगता है। तो हमें यहाँ पे इसी ट्रैकिंग नंबर को लेना है, तो इसे हमने क्लिक किया,
एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही इसमें जितनी भी डिटेल थी वो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पे फीड हो गई है। बस हमें टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ते जाना है और इसे सेव कर देना है। ये हमने सेव कर दिया। फिर पार्टी डिटेल को भी हम लोग इस तरह से सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि जैसे आप वहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा इनवॉइस ही जनरेट हो जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट नोट्स एंट्री पास करते समय हमने जो जो एंट्रियाँ की थी वो सब के सब यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा ली जाएंगी। अब हमें करना यह है कि टैब बटन दबाते हुए इसमें से जो भी क्वांटिटी रेट वगैरह डाला गया है अगर सेम है जो रिसिप्ट नोट में आया है तो वही पास कर देंगे, और अगर नहीं है तो उसमें अगर चेंजिंग है तो चेंजिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल सेम टू सेम है, यहाँ टैब बटन दबाते हुए इसे सेव कर देंगे। कहीं कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, बस टैब दबाते जाइए और एंट्री को कंप्लीट करते जाइए। आप चाहें तो कंट्रोल ए करके भी सेव कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि टैब करते हुए सारे एंट्री में एक बार आप क्रॉस कर जाएं। ये हमने कंप्लीट किया और यस करते हुए इसे हमने कर दिया सेव। अब अभी हमने एक परचेज की एंट्री पास की है एक रिसिप्ट नोट्स के अगेंस्ट में। अब चलते हैं वापस रिपोर्ट में। अभी एक एंट्री पास करनी बाकी है, लेकिन आपको मैं रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। यहाँ जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले को हमने ओपन किया, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और परचेज बिल पेंडिंग में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से दो एंट्रियाँ जो हैं गायब हो चुकी हैं। जो हमने रांची सेल्स के द्वारा यहाँ पे दो एंट्रियाँ देखी थी अभी प्रीवियस में, वो अब यहाँ नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब हमने दो जो रिसिप्ट नोट्स की एंट्री थी उसके अगेंस्ट में परचेज की एंट्री पास कर ली। अब हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, इसको अगर हम पास कर दें तो ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा, और ये अगर गायब हो जाएगा इसका मतलब हमारे पास कोई भी पेंडिंग डिटेल नहीं बचा हुआ है जिसका हमें परचेज की एंट्री पास करनी होगी। तो चलिए स्किप करते हुए वापस आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद वाउचर्स में चलते हैं और परचेज को ओपन कर लेते हैं, और चलते हैं प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट में दूसरा नंबर जो प्रोजेक्ट है उसे ओपन कर लेते हैं। और ये कहाँ से आया हुआ है? बंगाल सेल से आया हुआ है, टैक्स इनवॉइस है, इसका मतलब हमारे लिए परचेज की एंट्री बनानी होगी। अब यहाँ इनवॉइस नंबर देख लेते हैं, BSL 005 आ जाते हैं यहाँ पे, और ये 2 अप्रैल की है। हम F2 दबाएंगे और 2 अप्रैल ले लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आपने प्रोजेक्ट में देखा होगा यहाँ पे 2 अप्रैल है, हम लोग 2 अप्रैल लेंगे। हो सकता है उसने प्रोडक्ट भेजा हो हमें 1 अप्रैल में और सेल इनवॉइस जो उसने जनरेट किया है वो 2 अप्रैल में, तो हमें भी 2 अप्रैल ही लेना होगा। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर में BSL 005 ले लेते हैं, BSL/005/2021 एंटर प्रेस किया हमने। 2 तारीख का बना हुआ है तो 2 तारीख हमने लिया, फिर एंटर प्रेस किया। यहाँ पे बंगाल सेल्स हम लोग लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं रिसिप्ट डिटेल आ जाएगा, इसमें से हमें चुनना होगा वो रिसिप्ट नोट नंबर जो अभी हमने पास किया था। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे या तो फिर टैब बटन दबाते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिर से टैब या एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। बस हमें टैब दबाते जाना है और कुछ नहीं करना है, बस टैब दबाते जाइए सारी एंट्री ऑटोमेटिक वहाँ पे फीड हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना होता। 1062 यहाँ मैच कर लेते हैं, 1062 फिर आ जाते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट एंटर किया हमने और ये सेव हो गया। अब सेव होने के बाद कहाँ जाना है? जी हाँ, हमें रिपोर्ट में जाके चेक करना है कि क्या अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और परचेज बिल पेंडिंग में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है। इट मीन्स दो हमने रिसिप्ट नोट्स की एंट्री पास की, और अगर आपको देखना हो कि कितनी रिसिप्ट नोट्स की एंट्री हमारे पास थी तो वो देखने के लिए आप इन्वेंट्री बुक में जाएं और यहाँ पे रिसिप्ट नोट्स रजिस्टर मिलेगा, इस पे एंटर करें। इस पे आपको नजर आएगा कि आपने किस मंथ में कितनी रिसिप्ट नोट्स की एंट्री पास की है। तो यहाँ पे अप्रैल में 2 हमने पास किए, एंटर हमने किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 एंट्रियाँ नजर आ रही हैं। एंटर हम प्रेस करेंगे तो इसका डिटेल खुल के आ जाएगा। फिर हमने एस्केप किया और नीचे जाते हैं, फिर एंटर किया, यहाँ पर भी हमें एंट्री नजर आएगी। मतलब पेंडिंग से तो रिपोर्ट हट जाएगा, लेकिन अगर आपको देखना हो कि कितने रिसिप्ट नोट्स की एंट्री आपने पास की है तो वो आप इन्वेंट्री बुक में रिसिप्ट नोट्स रजिस्टर में आके देख सकते हैं। तो इस क्लास में आपने देखा कि एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर रिसिप्ट नोट्स को कैसे इनेबल किया जाता है, ट्रैकिंग सिस्टम कैसे चालू करते हैं टैली प्राइम में, और किस तरह से परचेज की एंट्री पास करके पेंडिंग रिपोर्ट को कंप्लीट करते हैं। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।